अब मैं आ गई हूं ना, तुम्हें तुम्हारा हक देखना कैसे मिलता है। अरे आप लोग हो कौन और ऐसे कैसे मुंह उठा के मेरे घर में घुसाए? घर में तो अब आपको लेना होगा अपनी बहू को। आप होती कौन है ये बोलने वाली? हाँ, किसने आपको ये हक दिया कि आप डिसाइड करें कि हमारे घर में कौन रहेगा और कौन नहीं? ये घर है हमारा, कोई धर्मशाला नहीं है कि जिसका मन चाहे मुंह उठा के चलाए। चलिए निकलिए यहाँ से, नहीं तो हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। बुलाइए पुलिस को, अच्छी बात है। वैसे भी जब मैटर हमारे हाथ से निकल जाता है तो हम खुद ही पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते हैं। यकीन मानिए, पुलिस भी हमारा ही साथ देगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कौन हैं, क्या हैं। मैं सुशीला, नारी विकास एनजीओ की हेड। हम लोग औरतों के सशक्तिकरण, उन्नति के लिए काम करते हैं। औरतों के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। औरतों को अपना हक दिलवाते हैं, उनका मान सम्मान वापस दिलवाते हैं। और हमें पता चला है कि आप लोगों ने अपनी बहू के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उसका हक छीना है। तो हम लोग यहां आ गए उसे उसका हक दिलाने। रवि ने प्रतीक्षा से शादी करके अगले ही दिन उसे छोड़ दिया। एक लड़की के साथ कोई इतना गलत कैसे कर सकता है? ये सही गलत का ज्ञान यहाँ मत जाड़ो। जो भी हो ना, निकलो यहाँ से। और वैसे भी तुम जैसी औरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ। नारी शक्ति, नारी विकास की बातें करती हैं, कहीं पे भी अपना डेरा डाल लेती हैं। लेकिन भूलो मत, ये घर मेरा है और यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। इस घर में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसे क्या करना है, ये मनदीप रंधावा डिसाइड करेगी। और ये है मेरा बेटा रवि, इसकी शादी उसी से हुई है जिससे मैं चाहती थी। काव्या बेटा। जी आंटी। ये है काव्या रवि रंधावा, मेरे बेटे रवि की धर्म पत्नी। और ये लड़की, इस लड़की का हमसे, हमारे परिवार से और मेरे बेटे से कोई रिश्ता नहीं है। अरे कैसे रिश्ता नहीं है परजाई जी? अरे रिश्ता है, दो दिन पहले तो भतीजे ने शादी की है इससे। शट अप डॉली होगी। वो कौर से एक बोलने से पहले कभी तो सोच लिया करो कि कहाँ बोल रही हो, क्यों बोल रही हो, कब बोलना है। मतलब कुछ भी बकवास करनी है बस। डॉली ना, परवाह की रहेंगे डॉली जजीत। जी मैं झूठ बोली हूँ? देखिए सुशीला जी, हमें इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमने इसके साथ कुछ भी गलत किया। इनफैक्ट गलत तो ये करी है हम सबके साथ, जबरदस्ती हमारे घर में घुस गई, मेरे नेफ्यू की शादी में रुकावटें डाल रही है, हम सबके साथ बदतमीजी से बात। तमीज तो पहले आप खुद सीखिए। एक्सक्यूज मी, अभी सबके सामने आपने कैसे उनकी बेइज्जती की? सीरियसली, देखिए ये तमीज और बदतमीजी ना आप हमें मत सिखाइए, मुद्दे की बात कीजिए। इस लड़की ने अपनी दोनों बहनों के साथ मिलके मेरी बेटी काव्या को किडनैप कर लिया, ऊपर वाले कमरे में अलमारी में बंद कर दिया, उसका सर फोड़ दिया। और सबूत ये खुद है, देखिए इसने सेम शादी का जोड़ा पहन रखा है जो मेरी बेटी ने पहना है, जो अब रवि की धर्म पत्नी है। ये तो हमारा दिल बड़ा है जो हम इसे प्यार से यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, नहीं तो हम इसे अरेस्ट करवा देते। पहले ही बहुत अपशगुन फैला चुकी है ये, और हम नहीं चाहते कि नए शादीशुदा जोड़े की जिंदगी अपशगुन से शुरू हो। कौन सा जोड़ा, कौन सी शादी? भारत का कानून नहीं जानती यार, मैं याद दिला देती हूँ। पहली पत्नी होते हुए कोई भी आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता है। प्रतीक्षा रवि की पहली पत्नी है और ये यही है, ना तो इनका डाइवोर्स हुआ है और ना इसकी मौत हुई है, तो इसके रहते रवि दूसरी शादी नहीं कर सकता है। करना तो छोड़िए, ये सोच भी नहीं सकता है। और ये जो शादी है ना, ये अमान्य है, इनवैलिड। तो बेटर यही होगा कि रवि बाइज्जत प्रतीक्षा को अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर ले और आप सब भी इसे इस घर में रहने दें, क्योंकि कानूनन ये घर अब इसका भी है। एक्सक्यूज मी, देखिए मैं नहीं जानती आप कौन है, पर मुझे आपको ना बस एक बात आराम से समझानी है। ये लड़की है ना प्रतीक्षा, इसने आपको जो भी कुछ बोला है सब कुछ गलत है, झूठ है। रवि वो मेरी बहन कीर्ति सचदेवा से प्यार करता था, बे इंतहा प्यार,
अरे वो तो शादी करना चाहता था उससे। काला क्वाइट। एंगेजमेंट तक कर ली थी, शादी बस होने ही वाली थी। काला क्वाइट आई सेड। ये सब इन सब के सामने बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अंडरस्टैंड दैट? नो। देखिए अब काव्या ने बात छेड़ी दी है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कह रही है वो सच है। कीर्ति मेरी मंगेतर थी, उससे शादी होने वाली थी मेरी, और शादी की रात को हजार बार आप सबको बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं कि कीर्ति की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, तो कोशिश करना बंद करो। यू अंडरस्टैंड दैट प्लीज। रवि आपके दिल का कोई ईमान है या नहीं? अभी बोल रहे हो कीर्ति से प्यार करता था, तुम उससे जबरदस्ती शादी क्यों की? हाँ, और फिर ये काव्या से शादी क्यों की आपने? सबकी जिंदगी का बस खेल बना रखा है आपने और कुछ नहीं। इतने बार आपको समझा चुकी हूँ कि मैं हूँ आपकी पत्नी। अरे नहीं हो तुम मेरी पत्नी प्रतीक्षा। और नहीं कभी मेरी धर्मपत्नी बन सकती हो। हजार बार कह चुका हूं कि बदले के लिए मैंने की थी शादी तुमसे, और जो शादी काव्या से हो चुकी है वो कीर्ति से किया हुआ वादा था, बस उसी को निभा रहा हूं मैं। तुम मेरी धर्मपत्नी कभी नहीं बन सकती, नहीं हो तुम मेरी पत्नी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और प्लीज अकेला छोड़ दो हमें और निकलो यहां से। Get out of my house now. वाओ रवि, तुम्हारा मेरे लिए ये स्टैंड लेना अच्छा लगा। अभी बहुत कीर्ति कीर्ति कर रहे हो ना, कर लो, कुछ टाइम के बाद तुम सिर्फ काव्या काव्या करोगे। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आप मुझे एक चीज बताइए, अगर हमारी शादी नहीं हुई है, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, तो एक मिनट आपको फोन मिल सकता है? थैंक यू। क्या है? इंटरनेट है रवि, इंटरनेट। आप मुझे बताइए ये क्या है फिर? हाँ देखिए, आप सब भी अच्छे तरीके से देखिए। सबको दिखाने लगी अब, पता नहीं कहां से माँ पार्वती आ गई इसके अंदर। हमारी शादी का सबूत देखिए, देखिए देखिए ना। आपका फोन, थैंक यू। लो अब तो प्रतीक्षा के पास शादी का सबूत भी है। रवि और प्रतीक्षा की शादी हुई है, रवि ने अगर शादी की है तो उसे निभानी पड़ेगी, क्योंकि प्रतीक्षा ही उसकी लीगल वाइफ है। और जो मान सम्मान एक बहू को मिलना चाहिए, जो जगह घर में एक बहू की होनी चाहिए, वो आप सबको इसे देनी ही होगी। और मेरा क्या जवाब दीजिए, मेरा क्या? अरे अगर ये लड़की इसकी लीगल वाइफ है तो मैं क्या हूं? मेरी शादी भी रवि रंधावा से हुई है, अरे अभी अभी मेरे फेरे हुए, मेरे साथ ना इंसाफी नहीं होगी अगर ये लड़की मेरी जगह ले लेगी। बहुत हो गई पब्लिकली बातें, चलो। रवि रवि रुको, ये गलत है, ये एक औरत के अधिकारों को दबाने की बात है, वायलेंस है। जो भी बात करनी है यही करनी होगी सबके सामने। अरे आप मेरी फिक्र मत कीजिए, इन्हें मैं हैंडल कर लूंगी, हम आते हैं। और वैसे भी रवि तो मेरे पति है, तो अपने बेडरूम में तो मुझे ले जा ही सकते हैं। हो गए तुम्हारे ताने? चलो। What the hell? इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। काव्या समझती क्या है? काव्या प्लीज प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। खड़ी रहो इधर चुपचाप। अरे रवि आप क्या कर रहे हो? नीचे इतने लोग हैं, वो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? तुम क्या सोच रही हो और क्यों कर रही हो तुम ये सब, और क्या कर रही हो प्रतीक्षा? आपकी पत्नी हूँ और क्या कर रही हूँ वो तो आपने देखा ही, आप देख ही रहे हो। प्रतीक्षा तुम्हारा या तो दिमाग खराब हो गया है, तो बहुत अच्छी एक्टिंग करने लगी हो तुम, तुम्हें अंदाजा नहीं तुम क्या कह रही हो। बात बता दूं तुम्हें, ये जो तुम्हारा प्लान चल रहा है ना, ये जो ड्रामा कर रही हो तुम, ये फ्लॉप हो चुका है, फेल हो चुका है, कुछ नहीं होने वाला इसका। रवि ये कोई ड्रामा नहीं है, ये हम दोनों की कहानी है, जिसके हीरो आप हो और जिसकी हीरोइन मैं हूँ। और हमें ना इस
कहानी को बहुत अच्छी कहानी बनानी है ताकि सब लोग याद रखें। हाथ में हाथ डाल के साथ चलना है, बहुत लंबा सफर तय करना है और उसकी अच्छी यादें भी बनानी है। सच में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम क्या बोले जा रहे हो। देखो तुम्हारे साथ ना कोई कहानी बनानी मुझे, ओके? ना तो मैं तुम्हारा हीरो ना तुम मेरी हीरोइन, प्लीज भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो तुम। अकेला छोड़ दूं? लेकिन कैसे? मैं तो आपके पीछे नहीं आई, आप मेरे पीछे आए। देखिए रवि, मेरी लाइफ के ना दो उसूल है। क्या? पहला, मैं किसी से बेवजह नहीं उलझती। दूसरा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाती। और आप, आपने तो मेरे साथ दोनों कर दिया। आपने मेरा दिल दुखाया, मेरी फैमिली की इतनी बेइज्जती की, मेरी इतनी बेइज्जती की, बेवजह मुझसे उलझ गए। मैंने तो बस जैसे के साथ ऐसा किया है। मैं तो यहाँ अपना फर्ज निभाने आई हूँ जो कि हर एक पत्नी को निभाना चाहिए। लेकिन रवि, मुझे क्या लगता है ना, आपको बीवी की आदत नहीं, इसलिए आप इतने परेशान हो गए। अगर तुम्हें सच में लगता है कि चार एनजीओ वाली औरतें बुलाकर तुम मुझे डरा धमका सकती हो और डर कर मैं तुम्हें अपने घर में रख लूंगा, तुम एक्सेप्ट कर लूंगा, तो तुम्हें गलत लगता है प्रतीक्षा। रवि, हाथ हटाइए, मुझे दर्द हो रहा है, वरना मैं नीचे जाके सबको बता दूंगी आप यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हो। तुम बंद करो अपनी ये नौटंकी। प्रतीक्षा, तुम ऐसे नहीं जीत सकती मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करोगी तो मैं तुम्हारे कंट्रोल में आ जाऊंगा? प्रतीक्षा, यू आर हाईली मिस्टेकन, ओके? हाय मेरे पतिदेव, आपको क्या लगता है मैं आपको क्यों जीतूंगी? जीता तो उसे जाता है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं या जो हमारा नहीं होता। और आप तो पहले से ही मेरे हो, तो आपको क्यों मैं जीतना चाहूंगी? हार जीत का तो कोई सवाल ही नहीं आता। अब मैं जाती हूँ, वो एनजीओ वाली औरतें कब से वेट कर रही है, हमारे घर में मेहमान है ना, तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। कितनी हेल्प की आखिरकार उन्होंने मेरी। प्रतीक्षा, आई एम नॉट डन। क्या हुआ, ऐसे पीछे क्यों हट गए आप? क्या कर रहा था मैं? क्या कर रहे थे ये मुझे कैसे पता होगा? आप पति हो, मैं पत्नी हूँ, आप क्या करने वाले हो तो आपको पता होगा। चुप करो, कि बार बार मुझे अपना पति बोलना बंद करो, तुम समझी? नहीं हूँ मैं तुम्हारा पति। रवि, क्या? बस बस, धीरे, थोड़ा धीरे। कहीं किसी ने सुन लिया, वो एनजीओ वाली औरतों ने अगर सुन लिया तो अंजाम तो आपको पता ही होगा ना। फिर मत बोलना कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया, और उसका इल्जाम भी मुझे मत देना, ठीक है? और पुलिस बुला ली अगर उन लोगों ने तो? मुझे पुलिस की धमकी बजाना बंद करो, क्या? एक सेकंड लगेगा मुझे तुम्हारी कंप्लेंट करने में। बोल दूंगा मैं पुलिस को कि यहाँ पे मेरे घर पे आ गया ना, मुझे और मेरी फैमिली को पूरा टॉर्चर कर रही हो तुम। रवि, क्या आपकी याददाश्त कितनी कमजोर है? कल से हर सुबह मैं आपको भीगे हुए बादाम खिलाऊंगी, आज रात को ही भिगोने रख देती हूँ। आप शायद भूल गए हैं कि आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी, और अभी आप ही लेकर आए ना मुझे बेडरूम में। तो अगर पुलिस आएगी तो पहले तो वो मेरी कंप्लेंट सुनेगी, आपकी नहीं, है ना? मुझे ना जाना है रवि, बहुत देर हो गई है। और काव्या, बाप रे, उसकी तो सोच सोच कर जान निकल रही होगी कि हम दोनों बेडरूम में क्या कर रहे हैं। मैं जाती हूँ रवि, बहुत दिमाग खराब मत करो, मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो चुपचाप। तुम ये सब क्या कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? रवि, मुझे जाना है। आप रिक्शा, क्या है मेरी बात क्यों नहीं सुनती तुम? अरे नीचे क्या बता रही थी सबको कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें अपने कमरे में ले जा सकता हूँ? आपके वर्ड्स आपके एक्शन के साथ मैच नहीं करते। देखो बातें घुमाना बंद करो, सीधे सीधे बताओ क्या बता रही हो। आप इतने करीब हो मेरे, जैसे एक पति एक पत्नी के होता है, और आपकी बातें उसमें ताने हैं जैसे एक पति एक पत्नी को मारता है। वैसे क्या बोल रहे थे अभी आप? वो मैंने नीचे जो भी कुछ बोला गलत बोला क्या कुछ? अपने पति के बेडरूम में तो आ ही सकती हूँ मैं, है ना? और अभी शादी तो हुई है, अब आप कसम खा के बोलो अगर नहीं हुई है तो। मैं कसम वसम नहीं मानता, ओके? कसम तो पति पत्नी शादी के दिन खाते हैं, कहने को तो सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन अगर मानो तो विश्वास की एक नींव होती है और उसी नींव पर पूरी शादी निपटती है। हाँ ये सब जानबूझकर कर रही हो मेरे साथ, मुझे पता है तुम ना बदला लेना चाहती हो मेरे साथ, है ना? बदला लेना चाहती है मेरे साथ, है? ठीक है, एक पल के लिए माना कि मैं आपके साथ बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन आप, आपने क्या किया? हाँ, आपने काव्या के साथ शादी करके तो आपने खुद से ही बदला ले लिया। रवि, प्यार करते हो आप उससे? नहीं ना, आपने सिर्फ ये शादी अपने वादे के लिए की है और आप वो वादा निभा रहे हो, बस।
अब 2 मिनट के लिए आप सोचो, आप जब काव्या से शादी करने जा रहे थे तो कितनी प्रॉब्लम आई, लेकिन जब आपने मुझसे शादी की थी तब तो एक भी बाधा नहीं आई, तब तो कुछ नहीं। देना बंद करो मुझे, मैं जो करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ, समझी? फिर से आपके वर्ड्स आपके दिल और जुबान से मैच नहीं कर रहे रवि। ये शादी, आई मीन ये इलीगल शादी आपने अपनी मॉम के कहने पे किया ना, आपकी मॉम ने आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया है ना? प्रतीक्षा, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मत पड़ो इसमें। फोर रवि, आपको ना हर छोटी छोटी बात याद दिलानी पड़ती है। कोई बात नहीं, मैं याद दिलाती हूँ आपको। वो जो आपने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे, 7 वचन, उसमें से 1 वचन ये है कि पति पत्नी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे, एक दूसरे का हर मुसीबत में साथ देंगे, याद है? कोई बात नहीं, आपको अगर याद नहीं है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए। सच में तुम्हें शादी वैलिड लगती है? आपको नहीं लगती? नहीं। वैसे क्या वैलिड नहीं था इस शादी में, आप मुझे बताइए। 7 फेरे थे, 7 वचन, 7 कस्में, अग्नि, सब कुछ तो था। वैसे हमारी शादी ना बहुत ड्रीमी थी, खाई के ऊपर, आग के बीच में, आसमान के नीचे, चांद तारों को साक्षी मानकर। सोचा नहीं था मैंने मेरी शादी ऐसे होगी। कितनी अजीब लड़की हो यार तुम। क्यों? शादी के दिन कह रही थी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, आज जब छोड़ दिया, जाने दिया, तो वापस क्यों आ गई तुम? हर बार क्यों वापस आ जा रही हो? कहाँ जाती? यू नो ना, हम इंडियन गर्ल्स, भारतीय नारी, एक बार शादी हो जाए तो उसे निभाती है, और हमारे मॉम डैड भी हमें यही सिखाते हैं, मायका छूटा तो उसके बाद ससुराल ही हमारा घर है। देखो, एक बात तो मैं समझ गया हूं कि तुम ये सब मुझे तकलीफ देने के लिए कर रही हो, मुझे दर्द देने के लिए कर रही हो। Just stop it. रवि, आप मेरे पति हो। एक पत्नी अपने पति को दर्द देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। दो कि जो तुम कह रही हो वो सच नहीं है। सच से भी गहरा सच है। रुको, लड़कियां इतनी अजीब क्यों हो जाती है समझ नहीं आता मुझे कुछ। अरे शादी हो जाने के बाद, पत्नी हो जाने के बाद कौन सा नागे नागे डस लेता है इनको? ये लड़की इतनी जिद्दी कब हो गई? इसलिए जिद्दी हो गई क्योंकि ये मेरी बीवी है। अरे तो मेरी बीवी कहाँ है? ये है क्या? बेइज्जती कर दी रवि ने। बोलो ना, रवि ने ही तुमसे कहा है ना यहाँ से बाहर निकल जाने के लिए? अब रवि ने मुझसे क्या कहा क्या नहीं कहा ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और पति पत्नी के बीच की बात है तो उनके बीच ही रहे तो सही है। वैसे भी एक पति पत्नी अपने बेडरूम में क्या करते हैं वो किसी बाहर वाले को नहीं बताया जाता ना। शट अप, जस्ट शट अप। अपने जुबान से ना मेरे रवि का नाम भी मत लेना। पति है वो मेरा, सिर्फ मेरा है रवि। पर जैसे वहां होना भी चाहिए, आखिरकार बचपन का प्यार है ना तुम्हारे। लेकिन रवि वो तो शायद तुम्हारे बचपन का प्यार भूल गया। कितनी कोशिशें की काव्या तुमने, लेकिन फिर भी रवि तुम्हें बीच मंडप में छोड़ के मेरे पास आ गया, मुझसे शादी कर ली। कीर्ति तुम्हारी बहन है ना, मेरे लिए भी कीर्ति बहन जैसी थी, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम भी मेरी बहन बन जाओ और फिर तुम रवि को जीजू बुलाना। मैं माइंड नहीं करूंगी, ट्रस्ट मी काव्या। ए हेलो, लिसन, ना जुबान संभाल के बात करो। रवि मेरा जीजू नहीं है, अभी अभी ना उसने मुझसे शादी की है, 7 फेरे लिए हैं। सो प्लीज अपने ये जो ड्रामा कर रही हो ना ये सब बंद कर दो और प्लीज यहाँ से बाहर निकलो तुम, और अपनी शक्ल ना मुझे वापस मत दिखाना, समझी? हो गया, जो बोलना था बोल लिया। काव्या एक बात बताओ, कौन सी लैंग्वेज समझ आती है तुम्हें, हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज? चलो हिंदी में बोल देती हूँ।
इस घर से मैं नहीं तुम जाओगी।